प्राकृतिक रबड़ के इलेक्ट्रॉनिक बाजार एमरियो में आपका हार्दिक स्वागत। रबड़ की मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रबड़ बाजार को एक अतिरिक्त विपणन चैनल के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। एमरियो कृषकों, व्यापारियों, संसाधकों और विनिर्माताओं द्वारा शीट रबर, ISNR और लैटेक्स श्रेणियों के रबड़ व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर ब्राउजर का उपयोग करके या एमरियो मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा इस इलेक्ट्रॉनिक बाजार तक पहुंच सकते हैं। उपयोगकर्ता के पास अपनी पसंद के अनुसार अंग्रेजी, मलयालम या हिंदी भाषा चुनने का विकल्प है। अब हम एमरियो पोर्टल के होम पेज पर हैं। किए गए व्यापार के परिमाण, निष्पादित ठेके, कुल बिक्री आदि से संबंधित वास्तविक समय के आंकड़े होम स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। स्क्रीन के दाईं ओर ऊपर आप पंजीकरण और लॉगिन बटन देख सकते हैं। आइए उपयोगकर्ता पंजीकरण के साथ हम शुरू करेंगे। पंजीकरण के लिए ये अनिवार्य है कि उपयोगकर्ता के पास वैध रबड़ बोर्ड लाइसेंस नंबर हो। जिन रबड़ उत्पादक संघों के पास रबड़ लाइसेंस नहीं है, उन्हें एक विशेष पंजीयन संख्या आवंटित की जाएगी। एक बार जब उपयोगकर्ता अपना वैध रबड़ बोर्ड लाइसेंस नंबर दर्ज करता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से रबड़ बोर्ड के लाइसेंसिंग पोर्टल से उनके मूलभूत विवरण भर देगा। अब उपयोगकर्ता अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जो लाइसेंसिंग पोर्टल में रबड़ बोर्ड के साथ पंजीकृत है। फिर उपयोगकर्ता को अपने खुद का एक पासवर्ड बनाना होगा और उसकी पुष्टि करनी होगी। कृपया सुनिश्चित करें कि यहाँ और रबर बोर्ड लाइसेंसिंग पोर्टल में प्रयुक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेल खा रहे हैं। यदि उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग पोर्टल में उपयोग की गई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भूल जाते हैं, तो आवश्यक सुधार लाने के लिए कॉल सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। अब उपयोगकर्ता ई व्यापार प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के लिए नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और स्वीकार करें। अभी कैप्चा दर्ज कर पंजीकरण प्रस्तुत करें। अब उपयोगकर्ता को सत्यापन के लिए पंजीकृत आईडी में एक ईमेल और मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी के सफल सत्यापन के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से बोर्ड के लाइसेंसिंग पोर्टल से निकाले गए उपयोगकर्ता के प्रोफाइल को भर देगा। यहाँ पर ओटीपी टाइप करके सत्यापित करें। उपयोगकर्ता अब जिनसे संपर्क करना है उनका नाम, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस समाप्ति तिथि, ईमेल आईडी, संगठन का नाम, पता, शाखा विवरण आदि देख सकते हैं। अब उपयोगकर्ता ड्रॉप डाउन मेनू से संगठन का प्रकार चुन ले, जैसे सहकारी, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या स्वामित्व वाली कंपनी। पैन नंबर, बैंक खाता संख्या, जीएसटी संख्या आदि जैसे विवरण दर्ज करें। पैन नंबर और जीएसटी संख्या वैकल्पिक क्षेत्र है। फिर उपयोगकर्ता आवंटित स्थान में शाखा का नाम दर्ज करें। सिस्टम स्वचालित रूप से शाखा संबंधी विवरण भर देगा। उपयोगकर्ता आवंटित स्थानों में विभिन्न शाखाओं की जीएसटी संख्या को जोड़ सकता है। अब उपयोगकर्ता आवंटित स्थान में बैंक के विवरण जोड़ देंगे। कृपया ध्यान दें कि ई ट्रेड पोर्टल भविष्य के सभी वित्तीय लेन देन के लिए इस बैंक विवरण का उपयोग करेगा। सबमिट करने से पहले बैंक के विवरण को सत्यापित करना और पुष्टि करना अकेले उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है। उपयोगकर्ता ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके पोर्टल में जितने भी बैंक खाते के विवरण देना चाहते हैं दे सकते हैं।
इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को बैंक के विवरण को हटाने या संशोधित करने की भी छूट है। प्रोफाइल पंजीकरण पूरे हो जाने के बाद उपयोगकर्ता ई ट्रेड पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए सिस्टम अनुमति देगा। पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। सिस्टम में दो चरण की लॉगिन सुरक्षा शामिल की गई है और उपयोगकर्ता को लॉगिन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजे गए ओटीपी भरने की आवश्यकता है। ओटीपी टाइप करके सत्यापित करें। हेडर में उपलब्ध मेनू में आप दिन के व्यापार बंद होने के लिए बचे समय देख सकते हैं। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम इससे पूर्व सबसे अंत में लॉगिन हुई उपस्थिति तारीख, समय आदि प्रदर्शित करेगा। पोर्टल में फ़ॉन्ट आकार को बढ़ाने और घटाने का और भाषा का चयन करने का विकल्प भी उपलब्ध है। आइए अब हम माई अकाउंट मेनू देखते हैं। यहाँ भी उपयोगकर्ता ऐड बैंक अकाउंट मेनू क्लिक करके बैंक का शाखा, IFS कोड, खाता संख्या, पुष्टि खाता संख्या, बैंक का नाम, खाता धारक का नाम जैसे विवरण दर्ज करके अपना बैंक खाता संभाल सकता है। इसी तरह उपयोगकर्ता बैंक संबंधी विवरण संशोधित या रद्द भी कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को शाखा मेनू का उपयोग करके शाखा बनाने या संभालने की अनुमति है। नई शाखा का विवरण क्रिएट ब्रांच मेनू के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए उपयोगकर्ता ड्रॉपडाउन सूची से कार्यालय का प्रकार को शाखा या वेयरहाउस नाम के रूप में चुन सकता है। फिर शाखा या गोदाम का नाम प्रदान कर सकता है। ड्रॉपडाउन सूची से राज्य और जिले का चयन करें। शहर, पिन कोड, GST नंबर, फोन नंबर आदि टाइप करें। अभी आगे बताने वाले परिवर्तनों को रबर बोर्ड एडमिन के अधीन अनुमोदन के अधीन शामिल किया जाएगा। उपयोगकर्ता मैनेज ब्रांच मेनू का उपयोग करके इस प्लेटफॉर्म में पंजीकृत सभी शाखाओं को देख सकते हैं और संशोधित या संभाल सकते हैं। उपयोगकर्ता कार्यालय का प्रकार, राज्य, शाखा का नाम या शहर दर्ज करके किसी विशेष शाखा की खोज कर सकते हैं। उपयोगकर्ता इस मेन्यू में लंबित शाखा अनुरोध, सक्रिय शाखाओं की सूची, अस्वीकृत शाखा अनुरोध आवेदन, रद्द अनुरोध के विवरण देख सकते हैं। एमरियो पोर्टल सदस्यों को एक ही संगठन में अलग अलग उपयोगकर्ताओं को उनकी नौकरी की भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं आवंटित करने की सुविधा देता है। संगठनात्मक एडमिन इंटरनल यूजर मेनू के रजिस्टर में आंतरिक उपयोगकर्ताओं को निर्धारित कर सकता है। आंतरिक उपयोगकर्ता के नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि एडमिन जोड़ देंगे और उनकी भूमिका का चयन करेंगे।
शाखाओं में भी उपयोगकर्ता भूमिकाएं आवंटित करने का अधिकार एडमिन को है और मैनेज इंटरनल यूजर मेन्यू का उपयोग करके आंतरिक उपयोगकर्ता भूमिकाओं को संशोधित या निष्क्रिय भी कर सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक बाजार सार्वजनिक और निजी डोमेन में व्यापार की अनुमति देता है। पब्लिक डोमेन का मतलब है किसी सदस्य द्वारा पोस्ट किए गए खरीद या बिक्री के ऑफर उन सभी प्रतिभागियों के लिए सुलभ होंगे जिन्होंने पोर्टल में लॉगिन की है। लेकिन प्राइवेट व्यापार में सदस्य अपने विक्रेताओं को सूचीबद्ध कर सकता है और ऑफर सार्वजनिक को देखने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि ऑफर सूचीबद्ध समूह के केवल चयनित विक्रेताओं द्वारा देखा जा सकता है। प्राइवेट व्यापार के लिए उपयोगकर्ता को अपने विक्रेता समूह को बनाने या संभालने की अनुमति होगी और ग्रेड चयन विकल्प का उपयोग करके जिन्हें रबर ग्रेड आवश्यक है उनके लिए खरीद या बिक्री के ऑफर देख सकते हैं। विक्रेता का नाम या लाइसेंस नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके खोज विकल्प द्वारा नए विक्रेताओं को जोड़ा जा सकता है। साथ ही उपयोगकर्ता मैनेज वेंडर डेटाबेस मेन्यू का उपयोग करके विक्रेता डेटाबेस को संशोधित कर सकता है। अब हम देखेंगे कि व्यापार कैसे बनाया जाता है। व्यापार बनाने के लिए उपयोगकर्ता को व्यापार प्रकार यानी खरीद या बिक्री विकल्प का चयन करना पड़ता है। अब बिक्री का स्थान या शाखा जहां से व्यापार होता है का चयन करना है। फिर एक्सेसिबिलिटी फीचर चुनें, जैसे कि व्यापार सार्वजनिक हो या प्राइवेट। समझाने के लिए आइए हम एक्सेसिबिलिटी को पब्लिक के रूप में चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब उपयोगकर्ता रबड़ के प्रकार, रबड़ के ग्रेड और मेट्रिक टन में परिमाण का चयन कर सकता है। उपयोगकर्ता चाहे तो अपने न्यूनतम खरीद और बिक्री परिमाण निर्दिष्ट कर सकता है। फिर उपयोगकर्ता अपना ऑफर मूल्य प्रति किलोग्राम जोड़ सकता है। अब उपयोगकर्ता को ड्रॉप डाउन मेन्यू से पैकेजिंग विनिर्देश का चयन करना होगा। यहाँ उपयोगकर्ता उस ग्रेड के आधार पर जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं बंडल या बेल चुन सकता है। फिर पैकिंग सामग्री विनिर्देशों और वितरण शर्तों का चयन करें। मेन्यू से चुनी जाने वाली वितरण की शर्तों में सामग्री विक्रेता के गोदाम से ले जाना या विक्रेता द्वारा सामग्री पहुंचाना शामिल है। विक्रेता के गोदाम से उठाने के ऑफर के मामलों में माल की तैयारी करने के लिए आवश्यक समय जोड़ा जाना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता किसी अन्य पूर्ति विनिर्देश देना चाहते हैं तो अन्य विवरण निर्दिष्ट करे के अधीन उल्लेख किया जा सकता है। उपयोगकर्ता को गोदाम संबंधी सूचना भी जोड़नी होगी।
आगे गुणवत्ता प्रमाणन आवश्यकता को उपयोगकर्ता द्वारा ड्रॉपडाउन मेनू से अपने अपेक्षित विकल्प का चयन करके जोड़ा जाना है। उपयोगकर्ता गुणवत्ता प्रमाणन के लिए स्वयं की व्यवस्था कर सकते हैं या रबर बोर्ड से गुणवत्ता प्रमाणन का अनुरोध कर सकते हैं। अब भुगतान शर्तों को ड्रॉपडाउन मेनू से चुनना है, जिसमें अग्रिम भुगतान, आपूर्ति के समय भुगतान और अग्रिम भुगतान के साथ आपूर्ति के समय भुगतान के विकल्प भी शामिल है। आप भुगतान विकल्प का चयन करते हैं तो सिस्टम चेक, डीडी, एस्क्रो अकाउंट, हुंडी, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे भुगतान तरीके प्रदर्शित करेगा। डेमो के रूप में हम एस्क्रो खाते का चयन करते हैं। एस्क्रो खाता सुविधा एमरूप की एक अनूठी विशेषता है, जिसके तहत रबर बोर्ड भाग लेने वाले बैंकों के साथ एक एस्क्रो खाता रखता है। यदि खरीदार और विक्रेता एस्क्रो के माध्यम से अपने भुगतान को अग्रेषित करने के लिए सहमत होते हैं, तो बिक्री इनवॉइस और ईवे बिल के देने के बाद खरीदार को एस्क्रो खाते में बिक्री राशि जमा करनी होगी। रबर भेजकर विक्रेता के गोदाम में पहुंचने पर विक्रेता को उसकी इनवॉइस राशि मिल जाएगी। इस प्रकार एस्क्रो खाता खरीदार और विक्रेता दोनों के भुगतान जोखिम को कम करेगा। अब विक्रेता को यह चुनना होगा कि अग्रिम धन की आवश्यकता है या नहीं। एडवांस मनी फैसिलिटी एमरूप की एक अनूठी विशेषता है, जिसके तहत विक्रेता एस्क्रो खाते के माध्यम से भुगतान के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम राशि का लाभ उठा सकता है। विक्रेता को बैंक के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमत होना चाहिए। व्यापार के संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी भी यहाँ जोड़ी जा सकती है। उपयोगकर्ता को गुणवत्ता प्रमाण पत्र, रबर की तस्वीरें या कोई अन्य संदर्भ जानकारी अपलोड करने की भी सुविधा होगी, जो पूरी तरह से एक वैकल्पिक सुविधा है। अब उपयोगकर्ता सृजित व्यापार को पब्लिश करने के लिए पब्लिश बटन दबाए। एक बार पब्लिश होने के बाद अन्य पक्ष आपके व्यापार को देख सकते हैं और तदनुसार आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह उपयोगकर्ता एक विक्रेता के रूप में लॉगिन करके बिक्री प्रस्ताव बना सकता है। लॉगिन प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे पहले खरीदार के लिए बताई गई थी। ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करना है। यहाँ पर ओटीपी टाइप करके सत्यापित करें। विक्रेता विभिन्न खरीदारों द्वारा पोर्टल में अपलोड किए गए सभी खरीद आदेश दे सकते हैं। यदि विक्रेता भाव में परिवर्तन करना चाहता है तो वह उसके लिए एक काउंटर ऑफर रख सकता है। यहाँ सिस्टम खरीदार के मौजूदा प्रस्ताव प्रदर्शित करेगा और विक्रेता को काउंटर ऑफर प्रदान करने की सुविधा देगा। इस विशेष मामले में विक्रेता ने कीमत और परिमाण के लिए काउंटर ऑफर दिया। यदि गोदाम स्थान उपलब्ध नहीं है तो विक्रेता इस समय एक नया गोदाम जोड़ सकता है। गोदाम का विवरण यहाँ पर टाइप करना है। गोदाम का नाम, पता, राज्य, जिला, शहर का नाम और पिन कोड टाइप करें और सबमिट करें। फिर विक्रेता काउंटर ऑफर प्रस्तुत कर सकता है।
यदि विक्रेता काउंटर ऑफर को संशोधित करना चाहता है तो एडिट ऑफर विकल्प का उपयोग करके ऐसा कर सकता है। काउंटर ऑफर को संशोधित करना चाहता है तो एडिट ऑफर विकल्प का उपयोग करके कर सकते हैं। इस मामले में विक्रेता ने परिमाण, मूल्य, वितरण शर्तें, भुगतान शर्तें और भुगतान मोड पर अपना काउंटर ऑफर दिया। विक्रेता अपनी ओर से किए गए ऐसे सभी काउंटर ऑफर माय ऑफर मेन्यू में देख सकता है। अब हम विक्रेता स्क्रीन पर है, आइए हम खरीदार स्क्रीन पर वापस जाते हैं और देखते हैं कि प्राप्त काउंटर ऑफर के साथ खरीदार स्क्रीन अब कैसी दिखती है। ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कीजिए। यहां भी ओटीपी टाइप करके सत्यापित करें। अब आप सिस्टम नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि आपको इस ट्रेड आईडी के लिए एक काउंटर ऑफर मिला है। इस सिस्टम नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सिस्टम आपको व्यू एंड प्रोसीड बटन पर ले जाएगा। सिस्टम उन सूचनाओं को उजागर करेगा जो विक्रेता द्वारा संशोधित की जाती है और गहरे लाल रंग में परिवर्तन प्रदर्शित करती है। यदि खरीदार इस काउंटर ऑफर के साथ संतुष्ट है तो उपयोगकर्ता और आगे बढ़ सकता है। यदि आप प्राप्त ऑफर पर प्रतिक्रिया देना चाहता है तो काउंटर ऑफर बटन दबाएं और अपना ऑफर रखें। यदि आप विक्रेता के काउंटर ऑफर के साथ संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिजेक्ट ऑफर बटन दबाना होगा। यदि आप ऑफर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो ऑफर हिस्ट्री बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ाने के लिए हम इस ऑफर को स्वीकार करेंगे। जब आप ऑफर स्वीकार करें बटन पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम मांगी गई कार्रवाई की पुनः पुष्टि करेगा। एक बार ऑफर स्वीकार हो जाने पर विक्रेता को सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। सेवा शुल्क भुगतान के लिए उपयोगकर्ता ICICI बैंक या फेडरल बैंक द्वारा दिए गए भुगतान गेटवे में से किसी एक को चुन सकता है और आगे बढ़ सकता है। डेमो उद्देश्य के लिए आइए फेडरल बैंक भुगतान गेटवे का चयन करें। यहां सिस्टम सेवा शुल्क प्रदर्शित करेगा जिसका विक्रेता द्वारा भुगतान किया जाना है। उपयोगकर्ता भुगतान का तरीका चुन सकता है, जैसे भुगतान कार्ड से किया जा रहा है या नेट बैंकिंग द्वारा। कार्ड संबंधी विवरण यहाँ पे भरना है। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करें। सफल भुगतान के बाद उपयोगकर्ता को ई ट्रेड प्लेटफॉर्म पर वापस ले जाएगा। यहां सिस्टम भुगतान रसीद उत्पन्न करेगा और चालान की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम विक्रेता स्क्रीन पर है, आइए हम वापस खरीदार स्क्रीन पर जाएं। ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करना है।
ओटीपी टाइप करके सत्यापित करें। लॉगिन करने के बाद आपको माई ट्रेड मेन्यू ओपन करना है। यहां पर मैनेज ट्रेड बटन पर क्लिक करना है। सेवा शुल्क का भुगतान करने के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से खरीद आदेश और अनुबंध दस्तावेज तैयार करेगा। इस पर दोनों पक्षों को सूचित किया जाएगा। नोटिफिकेशन प्राप्त होने पर व्यापार निर्माता को व्यापार अनुबंध पर डिजिटल हस्ताक्षर करना है। एक बार ट्रेड क्रिएटर द्वारा संविदा पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाने के बाद दूसरे पक्ष को एक सूचना मिलेगी कि व्यापार निर्माता ने संविदा पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया है और दूसरे पक्ष को संविदा पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना है। अभी हम खरीदार स्क्रीन पर है, आइए हम विक्रेता स्क्रीन पर वापस जाएं और विक्रेता द्वारा डिजिटल रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। ईमेल आईडी और पासवर्ड करके लॉगिन करें। ओटीपी टाइप करके सत्यापित करें। एक बार संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद व्यापार की शर्तों के मुताबिक गुणवत्ता मूल्यांकन विकल्प का उपयोग करके कोई भी पक्ष गुणवत्ता मूल्यांकन की मांग कर सकता है। उपयोगकर्ता को बंडलों की संख्या, गुणवत्ता निरीक्षण के लिए संभावित तारीख, गोदाम स्थान, जिला, राज्य, पिन कोड इत्यादि प्रदान करना होगा। यदि होलोग्राफिक स्टिकर जारी करने का पता और गोदाम स्थान समान है तो चेकबॉक्स पर क्लिक करें। गुणवत्ता प्रमाणन के लिए अनुरोध करने वाले पक्ष को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा। गुणवत्ता मूल्यांकन पूरा होने के बाद गुणवत्ता प्रमाण पत्र पोर्टल में अपलोड किया जाएगा, जिसे खरीदार और विक्रेता दोनों देख सकते हैं।
अभी हम इनवॉइस और डिलीवरी चालान तैयार करेंगे। विक्रेता को यह तय करना होगा कि ई इनवॉइस सृजित करेंगे या सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस। अब हम ई इनवॉइस का चयन करते हैं। विक्रेता को उस बैंक खाते का चयन करना होगा जिसमें आप खरीदार से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। आपको अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। सिस्टम सभी संगत सूचनाएं जैसे विक्रेता बिलिंग पता, खरीदार बिलिंग पता, तारीख, खरीद आदेश संख्या इत्यादि को स्वतः भर देगा। सिस्टम द्वारा इनवॉइस संख्या सृजित की जाएगी। अपेक्षित हो तो पूर्तिकर संदर्भ संख्या, प्रेषण दस्तावेज संख्या जैसी अतिरिक्त जानकारी भी दर्ज की जा सकती है। विक्रेता को माल का विवरण, HSN कोड, परिमाण, कुल राशि और GST संग्रहक जैसे पूर्ण विवरण भी मिलेगा। यदि आप जानकारी से संतुष्ट हैं, तो आप इनवॉइस बनाने के लिए सबमिट बटन दबाएं। यदि आप कोई संशोधन करना चाहते हैं, तो एडिट बटन दबाएं, या यदि आप इसे देखना चाहते हैं, तो व्यू बटन दबाएं। यदि आप इनवॉइस प्रति से संतुष्ट है तो पब्लिश बटन दबाएं। एक बार जब आप इनवॉइस को पब्लिश कर देते हैं तो इनवॉइस खरीदार के साथ शेयर किया जाएगा। खरीदार को सूचना मिलेगी कि विक्रेता ने इनवॉइस तैयार किया है और खरीदार को भुगतान करना है। डिलीवरी चालान बनाने के लिए क्रिएट न्यू DC बटन दबाएं। फिर परिवहन का तरीका, वाहन संख्या आदि भर दें। अन्य विवरण सिस्टम द्वारा भरे जाएंगे। फिर सबमिट बटन दबाएं। डिलीवरी चालान सृजित होगा। डिलीवरी चालान देखने के लिए आप व्यू बटन दबाएं और आप इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं या संशोधित भी कर सकते हैं। खरीदार या विक्रेता को GST पोर्टल से ई-वे बिल सृजित करना होगा और इसे संदर्भ उद्देश्य के लिए ई-ट्रेड पोर्टल में अपलोड करना होगा। ई-वे बिल अपलोड करने पर संबंधित पार्टी को सूचना मिलेगी कि ई-वे बिल दूसरे पक्ष द्वारा अपलोड किया गया है और तब वे आगे बढ़ सकते हैं। अब खरीदार के रूप में लॉगिन करें। यहां भी ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करें। OTP टाइप करके सत्यापित करें। खरीदार इस ई-वे बिल को सत्यापित करेगा और यदि खरीदार को यह सही लगता है तो खरीदार भुगतान के साथ आगे बढ़ सकता है। अब भुगतान पृष्ठ का चयन करें और ऐड पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करें। यदि TDS लागू है तो सिस्टम विक्रेता को भुगतान की जाने वाली TDS राशि और निवल भुगतान राशि की गणना भी करेगा। खरीदार द्वारा भुगतान की सूचनाएं अद्यतन करने के बाद विक्रेता को इस संबंध में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब विक्रेता को सूचना मिल जाती है तो विक्रेता ई-ट्रेड प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा और भुगतान की राशि की पुष्टि करेगा। सिस्टम पुष्टि को स्वीकार करेगा और दोनों पक्षों को ईमेल, SMS और सिस्टम नोटिफिकेशन पर सूचित करेगा।
जब रबर खरीदार के गोदाम में पहुंच जाता है तो खरीदार को जब रबर खरीदार के गोदाम में पहुंच जाता है तो खरीदार को एक्टिविटी विकल्प का चयन करके माल की प्राप्ति प्राप्ति की तारीख को अपडेट करना होगा। इसके अलावा खरीदार अभ्युक्तियां कोई हो तो जोड़ भी सकता है। यह जानकारी विक्रेता के साथ ईमेल, एसएमएस और सिस्टम नोटिफिकेशन द्वारा शेयर की जाएगी। विक्रेता सूचना देख सकते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से माल वितरण ट्रैकिंग भी की जा सकती है। इस मामले में खरीदार को माल अच्छी स्थिति में प्राप्त हुआ है और वह गुणवत्ता से संतुष्ट है। एक बार व्यापार पूरा हो जाने पर दोनों पक्ष निष्पादन रेटिंग के माध्यम से अपने अनुभव का मूल्यांकन कर सकते हैं। निष्पादन रेटिंग अन्य उपयोगकर्ताओं को भविष्य में इन पार्टियों के साथ व्यापार पर निर्णय लेने में मदद करेगी। इसके साथ हमने रबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजार एमरूब में व्यापार के एक पूरे चक्र को पूरा किया है। अगर इस संबंध में आगे कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो हमारे कॉल सेंटर से संपर्क करें। कॉल सेंटर नंबर है 0481257622। धन्यवाद।